स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है नंबर कोडिंग एंड डीकोडिंग। अब नंबर कोडिंग डीकोडिंग रीजनिंग का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर भी कोई भी सीक्रेट डिटेक्टर्स होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, वो भी नंबर डिसकोडिंग डीकोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। इवन आर डे टू डे लाइफ में भी ये नंबर कोडिंग डीकोडिंग जो है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट गैजेट्स में भी इट्स वेरी यूजफुल। सो हियर स्पेसिफिकली वी विल बी फोकसिंग ऑन एनालॉजिकल नंबर कोडिंग एंड डीकोडिंग। नंबर कोडिंग डीकोडिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, फॉरवर्ड सीक्वेंस, बैकवर्ड सीक्वेंस, रैंडम सीक्वेंस, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पढ़ने के लिए आप मेरी बाकी की वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि नंबर कोडिंग डीकोडिंग एक्चुअल में है क्या। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनालॉजिकल कोडिंग डीकोडिंग। सो उससे पहले लेट अस डिस्कस व्हाट इज कोडिंग डीकोडिंग। कोड का मतलब क्या होता है? एक पासवर्ड। और पासवर्ड जो होता है वो खाली हमें पता होता है और किसी को नहीं पता होता, या मे भी हम किसी और को कुछ बताना चाह रहे हैं उसको भी हमारा पासवर्ड पता हो सकता है। या सपोज मेरी कोई क्लोज फ्रेंड है या मेरी सिस्टर है, उसको भी मेरा पासवर्ड पता हो सकता है, बट ओनली दोज पीपल हु वी ट्रस्ट। किसी स्ट्रेंजर को तो हम अपना पासवर्ड नहीं बताते। ऐसे ही कोडिंग डीकोडिंग में भी एक लेटर पे एक कोड लग जाता है और हमें वो अपना लॉजिक यूज करना होता है कि उस लेटर पे वो कोड कैसे आया। आज हम पढ़ेंगे एनालॉजिकल एनालॉजिकल कोडिंग डीकोडिंग। हमारी बाकी कोडिंग डीकोडिंग से अलग है, क्योंकि बाकी कोडिंग डीकोडिंग में, अगेन जो मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि हमारे लेटर्स होते हैं ए टू जेड हमारे लेटर्स होते हैं, और वो कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स की 26 प्लेस वैल्यू होती है, जहाँ पर हर लेटर की एक अलग प्लेस वैल्यू डिटेक्ट की होती है या डिफाइंड होती है। अब एनालॉजिकल कोडिंग डीकोडिंग में क्या है कि ये प्लेस वैल्यूज प्री डिफाइंड होंगी। ऐसा नहीं है कि हमें पता है कि ए की प्लेस वैल्यू 1 है, तो क्वेश्चन में ए की प्लेस वैल्यू 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। वहां पर वो जो प्लेस वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई है, उन प्लेस वैल्यू से हमें बाकी के क्वेश्चन जो है वो डिड्यूस करने हैं। सो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलती रहेंगी और उससे ये कॉन्सेप्ट हमें ज्यादा क्लियर होगा। So let's directly move to questions instead of just understanding the theoretical part. अब question number 1 को देखते हैं। First question है SELDOM, it is pronounced as seldom. Seldom के corresponding हमारा code है 124365. तो हमें code बताना है does का, sol का, let का and load का। इन चार के हमें codes बताने हैं, क्योंकि हमें सेल्डम का कोड दिया हुआ है। अब हमें पता है कि एस के कोरिस्पोंडिंग उसकी प्लेस वैल्यू होती है 19 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, बट यहाँ पर तो एस की प्लेस वैल्यू 1 है और ई की प्लेस वैल्यू 2 है। ये कैसे पता लगा हमें? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये टोटल है 6 लेटर्स, और 6 लेटर्स के कोरिस्पोंडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स नंबर्स दिए हुए हैं। मतलब हर लेटर के कोरिस्पोंडिंग एक नंबर है। एस के कोरिस्पोंडिंग इज 1, यहां पर लिख लेते हैं। एस के कोरिस्पोंडिंग 1 है, ई के कोरिस्पोंडिंग 2 है, एल के कोरिस्पोंडिंग इज 4, द कोड फॉर डी इज 3, कोड फॉर ओ इज 6 एंड द कोड फॉर एम इज 5। ये कोड हमें पता लग गया। एज आई प्रीवियसली सेड कि अगर एनालॉजिकल कोडिंग डीकोडिंग आती है तो वहां पर प्री डिफाइंड प्लेस वैल्यूज को हमने इग्नोर करना है, और जो क्वेश्चन में प्लेस वैल्यूज दी हुई है हमें उन्हीं के रिस्पेक्ट में बाकी के जो हमारे क्वेश्चन है उसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। अब पहला कोड है DOES, डस का कोड निकालना है हमें, ठीक है। यहां पर सेल्डम में DOES है, मुझे पता है डी के कोरिस्पोंडिंग कोड है 3, ओ के कोरिस्पोंडिंग कोड इज 6, द कोड फॉर ई इज 2 एंड द कोड फॉर एस इज 1। तो मेरे को मेरा कोड इजिली मिल गया कि डस के कोरिस्पोंडिंग उसका कोड आएगा 3621। तो मैंने डस को एनकोड कर दिया एक कोड में
यूजिंग अ पर्टिकुलर लॉजिक। वो लॉजिक क्या है कि एस के कोरिस्पॉन्डिंग अगर 1 है, ई के कोरिस्पॉन्डिंग 2 है, ऐसे ही एस के कोरिस्पॉन्डिंग 1, ई के कोरिस्पॉन्डिंग 2, ओ के कोरिस्पॉन्डिंग 3, सॉरी 6 एंड डी के कोरिस्पॉन्डिंग 3। सिमिलरली लेट्स फाइंड आउट द कोड फॉर द रिमेनिंग टर्म्स। नेक्स्ट इज सोल। अब हमें यहां पर देखेगा कि एस का कोड इज 1, द कोड फॉर ओ इज 6, कोड फॉर एल इज 4 एंड द कोड फॉर ई इज 2। तो अगेन वी एनकोडेड सोल एज 1642। सिमिलरली फॉर एलईडी, द कोरिस्पॉन्डिंग कोड फॉर एल इज 4, ई इज 2 और डी के कोरिस्पॉन्डिंग इज 3, तो 423 आ गया। और लास्ट रह गया हमारा लोड, एल के कोरिस्पॉन्डिंग हमें पता है कोड इज 4, ओ के कोरिस्पॉन्डिंग इज 6, डी के कोरिस्पॉन्डिंग 3 है और ई के कोरिस्पॉन्डिंग 2 है। तो ये जो है हमने कोड्स जो है वो डिराइव कर लिए। कैसे डिराइव किए हैं? क्योंकि हमें सेल्डम का कोड बताया हुआ था, सेल्डम के अंदर से ही ये सारे वर्ड्स जो है वो डिराइव हुए हैं, और क्योंकि सेल्डम में से ही ये वर्ड्स डिराइव हुए हैं तो कोड भी सेल्डम में से ही डिराइव होगा। सो अगेन हर कोडिंग डी कोडिंग का अपना लॉजिक है। वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा लॉजिक हमें फॉलो करना है और कौन सा लॉजिक को इग्नोर मानना है, क्योंकि वो लॉजिक जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि हमें पहले कोड दिया हुआ है या पहले नंबर दिए हुए हैं और नंबर के कोरिस्पॉन्डिंग लेटर दिया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग ही नंबर दिया हो, इट कैन बी वाइस वर्सा। इट कैन ऑल्सो बी लाइक फर्स्ट द नंबर इज गिवन एंड कोरिस्पॉन्डिंग टू दैट नंबर यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ लेटर। अब आई कैन सी दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देर आर 9 नंबर्स। अब मेरे को ये देखना है कि क्या यहाँ पर 9 लेटर्स है। सो लेट अस चेक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यस। सो फॉर ईच नंबर देर इज अ पर्टिकुलर लेटर विच इज कोरिस्पॉन्डिंग टू दैट नंबर। नाउ लेट अस सी दैट 1 इज द कोड फॉर लेटर ओ, 3 इज द कोड फॉर लेटर बी, 4 इज द कोड फॉर लेटर एस, 8 इज द कोड फॉर ई, 2 कोड है आर का, द कोड फॉर 6 और आई कैन से 6 इज द कोड फॉर वी, देन आई कैन से 7 है ए का, 5 के कोरिस्पॉन्डिंग है एन और 9 के कोरिस्पॉन्डिंग है टी। तो मुझे पता लग गया कि हर नंबर जो है उस वो किसको कोरिस्पॉन्ड कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट आई हैव टू फॉलो। अगर यहाँ पर ये लिखा होगा कि 9 लेटर्स है और सॉरी 9 नंबर्स है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग 9 लेटर्स है, स्ट्रेट अवे द लॉजिक विल बी एनालॉजिकल कोडिंग डी कोडिंग। हम रैंडम कोडिंग डी कोडिंग को फॉलो नहीं करेंगे और ना ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्री डिफाइंड कोड होता है हर लेटर का वो यूज होएगा। एनालॉजिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है, रैंडमली कोई भी नंबर असाइन हो सकता है। अब फर्स्ट कोड है हमारा या फर्स्ट टर्म है सोबर, और अब सोबर के कोरिस्पॉन्डिंग मुझे एक कोड डिराइव करना है। मैं वो कोड डिराइव अच्छे से कर पाऊंगी, क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर इसका लॉजिक पता लग गया जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है। 1, 3, 4 के कोरिस्पॉन्डिंग OBS कैसे आया मुझे पता लग गया। अब मैं उसी चीज को यहां पर अप्लाई करूंगी। एस का कोड है 4, द कोड फॉर ओ ओ इज 1, द कोड फॉर बी इज 3, कोड फॉर ई इज 8 एंड द कोड फॉर आर इज 2। तो ऐसे मुझे पता लग गया कि सोबर के कोरिस्पॉन्डिंग कोड होएगा 41382, हेंस डिराइव्ड। नेक्स्ट है ओवेट। अब ओवेट के कोरिस्पॉन्डिंग भी एक कोड मुझे ढूंढना है, वो मैं ढूंढ पाऊंगी क्योंकि मेरा ये लॉजिक मुझे क्लियर है। दिस इज स्टेप 1। अगर स्टेप 1 एनालॉजिकल कोडिंग डी कोडिंग में डिराइव हो गया तो आंसर भी इजिली निकल जाएगा। अगर ये डिराइव नहीं होगा सो ऑब्वियसली वी विल बी स्टक ओवर देयर। अब अगर हम ओवेट को देखें तो ओ के कोरिस्पॉन्डिंग 1 है कोड, वी के कोरिस्पॉन्डिंग द कोड इज 6,
ए के कोरिस्पोंडिंग है 7, टी के कोरिस्पोंडिंग है 9 एंड द कोड फॉर ई इज 8. सो इट विल जस्ट टेक मी सेकेंड्स, नॉट इवन मिनट, इट विल जस्ट टेक मी माइन्यूट सेकेंड्स टू फाइंड आउट द कोड इफ द फर्स्ट स्टेप इज क्लियर. लास्ट टर्म को देखते हैं, नोट्स. अब नोट्स के कोरिस्पोंडिंग भी कोड निकालना बहुत ईजी है. एन को देखो, एन कहां पर है, ये रहा. एन के कोरिस्पोंडिंग कोड है 5. कोरिस्पोंडिंग टू ओ द कोड इज 1. फॉर टी द कोड इज 9. ई के कोरिस्पोंडिंग 8 है और एस के कोरिस्पोंडिंग 4 है. तो ऐसे ही 41382 इज द कोड फॉर सोबर, 16798 इज द कोड फॉर ओवेट एंड 51984 इज द कोड फॉर नोट्स. तो ऐसे हमें इजीली पता लग जाएगा कि हमें अपने लेटर्स को कैसे डिड्यूस करना है या कैसे उसे कोड्स में कन्वर्ट करना है. सो ये तीन जो हो गए हमारे आंसर्स बन जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड. तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है नंबर कोडिंग डी कोडिंग विच फॉलोज एनोलॉजी. एनोलॉजिकल नंबर कोडिंग डी कोडिंग में एक प्री डिफाइंड प्लेस वैल्यू को छोड़ के जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई हैं उसके ऊपर फोकस करना है और उसके बेसिस पे या उसके लॉजिक के बेसिस पे हमें फर्दर आंसर्स अपने डिराइव करने हैं. दीज वर जस्ट टू क्वेश्चंस बट आई सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू एक्सेल इन रीजनिंग एंड स्कोर गुड मार्क्स. तो क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज www.abhyasonline.in. जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपके पास एन नंबर ऑफ सैम्पल पेपर्स प्रोवाइडेड होंगे रिगार्डिंग द टॉपिक. सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, व्हाट आर द वीक कॉन्सेप्ट्स एंड फोकस मोर ऑन वीक कॉन्सेप्ट्स बिकॉज we will be able to excel only when we improvise on our weaker sections. So my suggestion to you is to keep learning and keep practicing and do register on our online portal.